हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करके बुला लो, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जो चैप्टर हैं काफी आसान चैप्टर हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर हैं, और इनमें से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि सॉरी। तो आ जाओ फटाफट से, हम क्लास शुरू कर रहे हैं अभी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड इन एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी हैव फोर थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। वेरी फर्स्ट इज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, सेकेंड इज मेडिसिनल और यू कैन से मेडिकल एप्लीकेशंस, थर्ड वी हैव आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एंड फोर्थ आर एथिकल इश्यूज। ओके, सो अगर पिछले चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी पूछ सकता है। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आई है तो अभी फिलहाल के लिए आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। लास्ट हमने दो क्वेश्चंस को होल्ड बाय स्टैंड बाय पे छोड़ा था। एक था ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले, एक्चुअली जो वो क्वेश्चंस लिखे गए थे उन क्वेश्चंस में कुछ कुछ ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ था। एक तो ब्लंट एंड्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं उसका आंसर आपके पास रहेगा इको आर वी। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। और एक दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स या ह्यूमन जीनोम के अंदर वेक्टर की हेल्प से डीएनए ट्रांसफर करने के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए वेक्टर जो है वो टी डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, दिस इज टी आई प्लाज्मिड डीएनए। और इसमें से भी टी आई की फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्लियर एवरीवन, दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये तीन दो क्वेश्चंस थे जिनके बारे में कुछ चीजें, काव्या गुड इवनिंग काव्या, इसके बारे में कुछ चीजें जो हैं वो थी मतलब डिस्कस करने लायक। तो अभी हम जो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, और एप्लीकेशंस में आपके पास एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन आती है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी अगर एक रिकैप लें तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअली बायोटेक इज एमलगमेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज। उस सेल के मेंटेनेंस से लेके उसके प्रोडक्ट की मेंटेनेंस तक, प्रोडक्शन तक, प्यूरिफिकेशन तक, सब चीजें बायोटेक में इंक्लूडेड हैं। और उसके डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, जीन एक्सप्रेशंस के साथ, जेनेटिक उसके सिस्टम के साथ, उसके जीनोम के साथ, उसके प्लाज्मिड के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी, सब चीजें किसमें आती हैं, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी हमने जो चीजें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ी थी, दैट वी हैव स्टडीड इन आरडीटी, वो सब चीजें हम एप्लीकेशंस में देखेंगे कि किस तरह से आरडीटी को यूज किया जा रहा है आज के टाइम में टू गेट सर्टेन रिजल्ट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एनवी। सो वेरी फर्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, और उससे भी पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको दूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रवि। सो दिस बायोटेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू फाइव डिफरेंट पार्ट्स, जिसको हमने बहुत स्टार्टिंग में जब बायोटेक्नोलॉजी शुरू हमने किया था तब भी पढ़ा था। तो एक है इसमें एग्रीकल्चरल, वेरी फर्स्ट इसका जो स्कोप है वो एग्रीकल्चर में। सेकेंड वी हैव इज जेनेटिक टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब चीजें प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। देन वी हैव मेडिसिन, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसकी हेल्प से हम जीन थेरेपी दे सकते हैं, इसकी हेल्प से हम वो सब चीजें प्रोड्यूस करवाते हैं जिसको पहले हायर ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवाया जाता था। फॉर सपोज वी हैव इज हॉर्स, दैट हॉर्स वाज अर्लियर यूज्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, डॉग्स वर यूज्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव सीन काफ रूमन ऑल्सो यूज्ड, पेंक्रियाज ऑफ काफ एंड जो भी रूमिनेंट जो जानवर होते हैं उनके पेंक्रिया से भी हमने निकाले थे क्या चीजें, वी हैव एक्सट्रैक्टेड आउट द इंसुलिन। बट अभी हम क्या करवा रहे हैं इंसुलिन को, तो वो सब चीजें जो है इकोलाई से प्रोड्यूस हो रही हैं और वो मेडिसिन के अंदर आएगा। देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, स्टेरॉइड्स, हॉर्मोन्स, इंटरफेरॉन्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीजें।
देन वी हैव फूड टेक्नोलॉजी, तो इसमें आती है प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या चीज है, फर्मेंटेड जो योगर्ट है, चीज है, ये चीजें। इसके अलावा इसमें आती है सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें यूज किया जाता है स्पाइरुलिना को, गुड इवनिंग खुशबू, स्पाइरुलिना को यूज किया जाता है जिसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 60 से 70% होता है, और सारे के सारे प्रोटीन कंटेंट को हम आर्टिफिशियल फूड की तरह, यानी प्रोटीन की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद वही चीज सेम एस्ट्रोनोमर्स के लिए, या जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल काम करते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह पे काम करते हैं लोग, वहां पर भी इनको एज अ फूड सोर्स सेंड किया जाता है। देन वी हैव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, तो इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके पास दो एप्लीकेशंस मेजरली दी हुई हैं, एक एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है और एक मेडिसिन में एप्लीकेशन है, ये दो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्लियर है। देन वी हैव द डीकंटेमिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट, तो इसमें बायोरेमिडिएशन और पोल्यूशन को किस तरह से रिमूव किया जाए वो सब चीजें आएंगी, ठीक है जी। सबसे पहला है इसमें एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की किस किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जनता के सामने है वो जनता खुद है, मतलब नंबर, इट इज द पॉपुलेशन, एनॉर्मसली ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी किस किस चीज की हो रही है, स्कार्सिटी होती है फॉसिल फ्यूल्स की, स्कार्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फूड की स्कार्सिटी है, देन हाउसिंग, अगर जंगल हम काट देते हैं उसकी जगह रहने के लिए घर बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसकी कमी होती जा रही, तो हम क्या करना चाहते हैं, या तो हमारे पास इतने सारे संसाधन हो कि हम सारे के सारे लोगों का पेट भर सकें, और या हमें बहुत थोड़े से रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उसी में हमें उतना ही फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि जितनी भी पॉपुलेशन है सबको फीड किया जा सके, है ना। तो अगर पिछले चैप्टर में से अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, वरना तो हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते ही रहेंगे। अब इसमें इंक्रीज्ड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास तीन अप्रोच है, ठीक है। ये तीन अप्रोच जो हैं उन सारे जितनी भी जो क्रिकेट टीम्स घर घर में रिप्रोड्यूस हो रही हैं लगातार, वो जो जनसंख्या है अभी फिलहाल जो 130 करोड़ है, और उसमें से बहुत सारे, यानी हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है काफी एक ऊंचे जगह पर धीरे धीरे पहुंचते जा रहा है, तो इसके लिए तीन तरीके के अप्रोचेस हैं। एक तो है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इसके बाद में न्यूट्रिशनल यानी आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, डीएपी, यूरिया, इन सब चीजों को यूज करके इन, ठीक है, ना सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम बल्कि साइडल जितने भी चीजें होती हैं वो भी इसमें दी जा रही हैं, तो वो काफी ज्यादा एक खतरनाक चीज है, इसलिए क्योंकि मैग्निफिकेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ा था, तो बायो मैग्निफिकेशन में वो चीजें जो है ट्रॉफिक लेवल में रह जाती हैं, है ना। ट्रॉफिक लेवल में अगर वो रह जाएंगी तो वो ना सिर्फ प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स को, बट वो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे भी धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो एग्रीकल्चर जो है उसको हम, ठीक है, प्रोडक्शन काफी अच्छी है कंपैरेटिवली, बट हम यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू अदर साइड इफेक्ट्स। देन वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीन कुछ इस तरीके का है कि इसमें केमिकल्स को यूज नहीं किया जाता, इसमें मैन्योर जो है उन्हीं को यूज करते हैं, जो पिछली बार का एग्रीकल्चरल वेस्ट बचा है उसी को यूज करते हैं, बट इसके अंदर प्रोडक्शन और यील्ड देखने को बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक तो जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी पावर जो है मेंटेन रहे, दूसरा हमें ऊपर से मतलब जहर ना डालना पड़े, जहर इन द सेंस कि इंसेक्टिसाइडल जो भी है और या पेस्टिसाइड जो है वो चीजें हमें स्प्रे ना करनी पड़े। इसके लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल अप्रोच जो रहेगी वो है जीएमओ क्रॉप्स। अब जीएमओ का मतलब क्या होता है, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी न किसी तरीके से हम प्रोसेस को भी छोड़ देते हैं, हम रिजल्टेंट को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि वेदर देयर जीनोम और देयर जेनेटिक मटेरियल इज एल्टर्ड और नॉट। ठीक है, तो जीएमओ क्रॉप्स वही सारी की सारे प्लांट्स हैं
जिनके साथ किसी न किसी तरीके का जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया गया है। अब याद करो पिछला चैप्टर, उसमें मैंने आप लोगों को इस एक चीज बताई थी कि व्हाट हाउ द जीन्स और यू कैन से द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द प्लांट सेल, किस तरीके से प्लांट सेल के अंदर चीजें ट्रांसफर होती है। तो इसमें हमारे पास दो अप्रोच थी, एक थी वेक्टर अप्रोच, रिमेंबर, और सेकेंड अप्रोच क्या थी इसमें, वेक्टरलेस। वेक्टर अप्रोच के लिए हमने क्या यूज किया था, व्हाट वाज यूज्ड फॉर वेक्टर, व्हाट इज यूज्ड फॉर वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यूज किया गया था, है ना, थोड़ा सा क्या करने के बाद में, मॉडिफाई करने के बाद। और वेक्टरलेस अप्रोच में हमने एक और देखा था चीज, वो थी जीन गन, है ना। तो ये चीज जब ये जीएमओ क्रॉप्स जब यहां पर स्टडी में आती हैं, तो इस टाइम एक और चीज बहुत ध्यान आती है, वह है ग्रीन रिवोल्यूशन। बहुत सारी रिवोल्यूशंस हैं, जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन है दैट इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, येलो रिवोल्यूशन है दैट इज फॉर ऑयल क्रॉप प्रोडक्शन, ब्लैक रिवोल्यूशन इज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन, गोल्डन रिवोल्यूशन इज फॉर जूट प्रोडक्शन, ब्लू रिवोल्यूशन इज फॉर फिशेज एंड एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन। तो बहुत सारी हैं ये, हम चैप्टर 9th में जब ट्रेडिशनल हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल रिकॉम्बिनेशन तब देखेंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में 1961 में, ये जो साल है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेस था, ठीक है। छोटी सी एक स्टोरी है इसके पीछे, ये रिवॉल्यूशन का बेस था। और बेस का मतलब क्या है, तो वर्ल्ड लेवल पे 1960 में, वर्ल्ड लेवल पे 1960 में थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और ये 1950 से लेके और 1960 तक इसके प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहे थे। और 1960 में फाइनली ये मान लिया गया था दैट दिस इज द थर्ड वेव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, क्लियर है। और ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, दिस इज नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है दैट व्हाट इज बोरलॉग अवार्ड। बोरलॉग अवार्ड क्या है और बोरलॉग अवार्ड किस सिचुएशन में दिया जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर बोरलॉग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक अवार्ड है, और वो नॉर्मन ई बोरलॉग जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे उनके नाम से उसको उनको डेडिकेटेड है वो अवार्ड, और बिगेस्ट यू कैन से अवार्ड इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल। किसी भी बंदे का एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी ज्यादा नोवल, अगर उसने कुछ चीजें ढूंढी हैं उसका कुछ फायदा होगा अगर दुनिया को उससे, तो वहां पर बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है, और ये वर्ल्ड में सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है वाइल वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड, क्लियर है। लेट 60s में ये चीज जो है कंप्लीट हुई थी। 1961 में इंडिया के अंदर जो है मास फेमाइन आया था। मास फेमाइन का मतलब है कि तब इंडिया के पास, अब थोड़े साल पहले ही आजादी मिली है और इतना ज्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, प्लस में पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, तो हमें फूड की प्रॉब्लम जो आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1961 में ये मास फेमाइन जो इंडिया में था, इस टाइम एमएस स्वामीनाथन कौन थे, ये थे एडवाइजर, ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ये एडवाइजर थे किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ही इज द एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग को इनवाइट किया था इंडिया में, और इसके बाद में फोर्ड फाउंडेशन और इंडिया इंडियन गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था,
और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ठीक है, दिस इज CIMMYT, तो इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर जो है, इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, किधर है ये, मैक्सिको में होगा शायद, ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये मैक्सिको में है, बट जहां तक मैं, चलिए उसको छोड़ ही दो अभी, ठीक है, व्हेन आई विल बी श्योर आई विल टेल यू। तो बिल्कुल पहला, तो ये चीज हुई थी, वहां से उनको जो है स्वामीनाथन जी को वीट सीड जो है, इंप्रूव्ड वीट सीड, यानी जिनकी हाइब्रिडाइजेशन करके उनकी क्वालिटी को काफी इंक्रीज कर दिया गया था, वो सीड्स उनको वहां से मिल जाते हैं, और फिर वो इंडियन सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी जो है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, दिस इज सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट। अलावा इसके और क्या प्रोड्यूस करवाया गया था, इसके अलावा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। हालात ये थी कि उस टाइम 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल 3 क्विंटल जो गेहूं जो राइस है वो प्रोड्यूस हो रहा था, और अभी 2006 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो 450 मिलियन टन राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी 1960 से और 2006 तक काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ राइस। ठीक है, तो ये दो फसलें थी, एक वीट थी और एक राइस थी, जिनको ग्रीन रिवोल्यूशन में इंक्लूड किया गया था। पहला स्टेट कौन सा था जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन को देखा था, यानी टेस्टिंग के लिए पंजाब को चूज किया गया था। पंजाब वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको चूज किया गया था कि यहां पर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के वो कैरी आउट करेंगे। एम आई क्लियर? देन वी हैव बेनिफिट्स क्या हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। सबसे पहले एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं? दीज एबायोटिक स्ट्रेसेस आर, वॉटर लेस और हाई, टेम्परेचर लेस और हाई, सनलाइट लेस और हाई, न्यूट्रिएंट लेस और हाई, यानी जितने भी आपके पास एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं वो सबके सब जो हैं इसमें, यानी क्रॉप्स जो हैं वो ज्यादा टॉलरेंट हो गई इन एबायोटिक स्ट्रेसेस से, पहली चीज। दूसरी आती है इसमें रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कुछ ऐसा चेंजेस किए गए कि केमिकल पेस्टिसाइड हमें डालने की जरूरत ना पड़े। एम आई क्लियर? देन वी हैव हेल्प्ड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना सिर्फ खेतों में खड़ी फसलों को होती है, बट जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद उनको स्टोर करते हैं, तो स्टोर्ड ग्रेन में भी बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो जैसे ग्रब है, बीटल्स हैं, इसके अलावा ओके, वेलकम टू द स्ट्रीम डॉक्टर साहब। रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टेज लॉसेस, देन वी हैव इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, यानी अगर बहुत कम मिनरल भी प्रेजेंट हैं तो उस केस में भी प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, देन वी हैव फोर्टिफाइड राइस। दिस फोर्टिफाइड राइस इज, इसमें क्या डाला डाला गया है, किस चीज की जीन डाली गई है इसमें? डाली गई है बीटा कैरोटीन की जीन, और बीटा कैरोटीन क्या होता है? दिस इज अ प्रो विटामिन। प्रो विटामिन किसके लिए? इट इज प्रो विटामिन ए। ठीक है, दिस इज प्रो विटामिन ए। नाउ दिस इज फोर्टिफाइड राइस, और ये सब चीजें जो आप लोगों ने शायद 9th चैप्टर में भी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो हम जब 9th चैप्टर शुरू करेंगे तब आपके सामने आएंगी। तो वहां पर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर हम यूज करते हैं किसी और तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए। सो टेक्निक्स हैं। अब बायोटेक में प्लांट्स को किस किस तरीके से, सबसे एक ही चीज आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है, वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और दिस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इज पर्टिकुलरली यू कैन से जो जिसे हम पढ़ते हैं बीटी कॉटन में। इसमें डायरेक्ट टॉक्सिन की जो जीन है वो प्रोवाइड कर दी गई प्लांट को, जब भी इस पे कोई फीड करता है देन द प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग दैट पर्टिकुलर पेस्ट।
अब इसके लिए हमें ऊपर से जहर डालने की जरूरत नहीं है, तो प्लांट जो है वो खुद की प्रिवेंशन खुद कर रहा है। सेकंड कंडीशन वी हैव इज आरएनए आई टेक्नोलॉजी, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल से एक चीज अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आरएनए आई टेक्निक, अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ भी लिया है तो एक आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर आप जवाब दे पाए तो। आरएनए आई टेक्निक में आपको बताया गया होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, इससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है एमआरएनए को क्या कर देता है, साइलेंट कर देता है। बट ये बात हो रही है किसकी, निमेटोड की। निमेटोड इज मेलिडोजाइन इनकोग्निशिया, उसके एमआरएनए को एक प्लांट का सेल कैसे साइलेंट कर सकता है, उसके लिए पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे, आपको बताया जाता होगा कि क्या चीज है, बट कैसे है और वो क्यों हो रहा है, वो चीजें भी हम आज पढ़ेंगे। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स में सबसे पहले बीटी प्लांट्स आते हैं, तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, अलावा इसके बीटी ब्रिंजल, ये सब प्लांट्स जो हैं जिनके साथ साथ बीटी जो प्लांट्स बीटी जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की जो जीन है वो डाली गई है। डोनर ऑर्गेनिज्म यानी जीन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हु इज प्रोवाइडिंग द जीन्स, द जीन इज प्रोवाइडेड बाय बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, क्या होता है, बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, दिस इज बैक्टीरिया। और इसी के पहले जीनस का फर्स्ट लेटर और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर इनसे लिया गया है, क्या, बीटी। क्लियर विद दिस? सो बीटी कॉटन इज बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ना सम पार्ट ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस प्लस कॉटन इज बीटी कॉटन। जीन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसके लिए देखिए क्राइज जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एक बहुत ब्रॉड सा सिस्टम है, और उस बहुत बहुत ब्रॉड सिस्टम के में क्राइज की एटलीस्ट 40 to 50 जीन्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, और वो अप्लाई भी होती हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, मोस्टली हमारे पास तीन पैथोजेनिक ग्रुप्स हैं या पेस्ट ग्रुप्स हैं, एक है लेपिडोप्टेरन या लेपिडोप्टेरा, दूसरा है हमारे पास डायप्टेरा एंड तीसरा है कोलियोप्टेरा। ठीक है, इन तीनों पे सबसे ज्यादा ये अप्लाई होते हैं, और एटलीस्ट देयर आर 50 डिफरेंट टाइप्स, इसमें से आपके लिए ये तीन ही है, आप लोग इन तीन को पढ़ के काम चलाओ, इसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है क्राई जीन की इन पर्टिकुलर जीनोमिक्स में से जरूर आता है। ठीक है, तो क्राई 1AC, सबसे पहले तो लिखा किस तरह से जाएगा इसको, क्राई 1A एंड ब्रैकेट में सी, इस तरह से लिखा जाता है आपके, अगर ये इकट्ठा दिया रहेगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, लिखना इस तरीके से, क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है कॉटन बॉलवर्म के लिए, यानी ये इफेक्टिव है अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म, और क्राई 1AB दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्न बोरर। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म, लेपिडोप्टेरा, कॉर्न बोरर, बीटल्स, यानी दीज आर डायप्टेरा। आगे आएगा यही चीज, क्राई प्रोटीन का एक्शन किस तरीके से होता है, तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्राई का मतलब होता है क्रिस्टल, ठीक है, क्राई मीन्स क्रिस्टल, एज सिंपल एज दैट, क्राई इज नॉट दैट रोना धोना, बट क्राई इज क्रिस्टल, एंड दिस इज एक्टिवेटेड एंड टॉक्सिक प्रोटीएज। तो इसका इसका फंक्शन क्या है, इसका एक्शन क्या है, ये प्रोटीएज एंजाइम है, और प्रोटीएज एंजाइम भी कोई नॉर्मल तरीके का नहीं है, दिस इज अ टॉक्सिक प्रोटीएज। क्लियर है जी, दिस इज अ टॉक्सिक प्रोटीएज, बट अगर ये टॉक्सिक प्रोटीएज है तो ये बैसिलस जिस जो बैक्टीरिया इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसको इफेक्ट क्यों नहीं करता, तो उसको ये इसलिए इफेक्ट नहीं करता क्योंकि जब तक ये बैसिलस इसको प्रोड्यूस करता है उस बैसिलस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, और इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी जो है वो क्रिस्टल प्रोटॉक्सिन की होती है, यानी एक क्रिस्टल रहेगा, इस क्रिस्टल के साथ ये प्रोटीन जो है वो इस तरह से बाइंडेड अप रहता है। ठीक है, दिस इज क्रिस्टल एंड द सेकेंड पार्ट इज द प्रोटॉक्सिन, और यू कैन से द प्रोटीज, वेन एवर इसको मिलता है एल्कलाइन पीएच,
एल्कलाइन पीएच किसका? मिडगट का. मिडगट इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. ये जो है ना अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से. ये हो गया हमारा क्राइप्रोटीन अलग, और अब इस कंडीशन में ये होता है एक्टिव, और दूसरा जो है क्रिस्टल वो एक दूसरे वो अलग चला जाता है. एक्चुअली तो है ये सोल्यूबलाइज हो जाता है. ठीक है, तो जैसे ही ये एल्कलाइन पीएच में जाएगा जो क्रिस्टल है वो सोल्यूबलाइज हो जाएगा, और फिर उसके बाद में टॉक्सिन टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेशन के बाद क्या करता है? एक्टिवेशन के बाद जो मिडगट के सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स के साथ ही इंटरैक्ट करना शुरू करता है. एज वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ द सेल्स दैट आर प्रेजेंट, जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं सबके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं? वी हैव सम टाइप ऑफ व्हाट? वी हैव सम टाइप ऑफ वेट अ सेकेंड. एंटीजन्स प्रोड्यूस. ठीक है, हर एक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, कुछ कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये मिडगट की सेल के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले तो इन एंटीजन्स के साथ जाकर बाइंड करेगा, और एंटीजन के साथ बाइंडिंग करने के बाद में इट एक्ट्स एज द पोरस प्रोटीन. ठीक है, जब ये एंटीजन इसको प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग दे देते हैं, तो उसके बाद में जो सेल्स हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है. और जैसे ही ये पोरस कर देगा इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और फिर उसके बाद में क्या है, इंसेक्ट जो है वो अपनी टांगे ऊपर की तरफ भगवान को प्यारा हो जाएगा. ठीक है, तीन तरीके के इंसेक्ट हैं जिनके अगेंस्ट ये लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डायप्टेरा. वन इज लेपिडोप्टेरा, कौन से होते हैं जो लार्वल स्टेज में सबसे ज्यादा डैमेज कोज करते हैं, और इसमें आते हैं वर्म्स. लार्वल में भी मोस्टली कौन, लार्वल के अंदर मोस्टली जो है वो बटरफ्लाइज, या कोई भी अगर आप ऐसे इंसेक्ट देख रहे हैं जिनके पास एक जोड़ी पंख हैं और छह पैर हैं, वो सारे के सारे जितने भी उनका लार्वा होता है वो सबके सब डैमेज कोज करते हैं. नॉट सबके सब मतलब एज सच नहीं, बट जो भी हम लेपिडोप्टेरा की बात करते हैं उसमें वो सब आते हैं. ठीक है, वैसे बटरफ्लाई जो है या बी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी भी है पॉलिनेशन के लिए, तो अगर वो पैथोजन हो रहे हैं, अगर वो पेस्ट हो रहे हैं तो लेपिडोप्टेरा में आएंगे. देन वी हैव कोलियोप्टेरा, इसके अंदर आते हैं बीटल्स और ग्रब्स, एफाइड्स, जेसिड्स. ये जो है एडल्ट स्टेज होती है सबसे ज्यादा डैमेजिंग, इसमें लार्वल स्टेज डैमेजिंग है, कोलियोप्टेरा की एडल्ट स्टेज डैमेजिंग होती है, और डायप्टेरा आर डायरेक्टली मॉस्किटोस, ये होते हैं एडिस या क्यूलेक्स. तो ये मच्छर थे, बीटल्स थे, वर्म्स थे, ये सब के सब क्या हैं, प्लांट को कर रहे हैं परेशान. हमने प्लांट को दे दिया डिफेंस मैकेनिज्म और इसने मार दिया सबको. क्या होता है यहां देख लो, सबसे पहले जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो सेल सैप को खींच अपटेक करता है, सेल सैप को ड्रिंक करता है, सिंपल इट विल सक द सेल सैप. ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होनी शुरू होती हैं. तो यहां क्या होगा, प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स हैं बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के बीच में रहेंगे. हमने जीन जो है वो प्लांट सेल को दी हुई है, प्लांट सेल क्रिस्टल्स बना रहा है. जैसे ही सेल सैप को खींचता है, सेल सैप को सक करता है, फाइनली देयर विल बी अ एंट्री ऑफ द डाइजेस्ट एंट्री ऑफ द क्रिस्टल प्रोटीन्स इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम. वहां पर जाकर एल्कलाइन पीएच इसको मिलती है, जहां से क्रिस्टल जो है इससे टॉक्सिन बनता है, और वो टॉक्सिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में बनता है. देन वी हैव बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एंड देन द सेल डिसरप्शन स्टार्ट्स, द डैमेज स्टार्ट्स. ठीक है, एंड एज सून एज दिस डैमेज कंटिन्यूज द सेल विल द इंसेक्ट द वर्म द लार्वा विल फाइनली डाई. अब ऐसा नहीं है कि कुछ डैमेज जो है वो करके नहीं गया. हाँ, कुछ डैमेज करके जाएगा, बट वो उस डैमेज से कम होगा, या तो उसके पास इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, और या हमें उसमें स्प्रे करना पड़ता इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का. ठीक है, तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एक अच्छी अप्रोच है, बट इसके भी हैं साइड इफेक्ट्स. आई डोंट नो वेदर दे आर प्रूवन और नॉट,
बट साइड इफेक्ट्स में मेरी पर्टिकुलरली एक थ्योरी ये है कि अगर एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट में जाती हैं ये चीजें, ठीक है, अगर ये एल्कलाइन पीएच इनको इंसेक्ट की मिडगट में अगर मिलता है, तो दूसरी कंडीशन में एल्कलाइन पीएच तो हमारी मिडगट में भी प्रेजेंट है, एल्कलाइन पीएच तो रूमिनेंट्स के पास भी प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में भी तो ये प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज स्केल पर नहीं, बट स्मॉल स्केल पर ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि ये स्पेसिफिक होते हैं, स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम। तो बीटी का जो सीड होता है, जो गाय भैंसों को हम डालते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है ड्यू टू दीज रीजंस। ठीक है, क्लियर। देन वी हैव द बीटी कॉटन प्रोडक्शन। एक तो फटाफट से मुझे आंसर में आप लोग ये बता दो कि कौन सा बैक्टीरिया जो है उसको यूज किया गया था, विच बैक्टीरिया वॉज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द सेल द जीन इन टू द प्लांट सेल, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया था और क्या उसकी अप्रोच थी। फटाफट से एक चीज मेरे को जाननी है, क्या अप्रोच थी उसकी, कौन सी अप्रोच के मीडियम से, माध्यम से हमने उसे ट्रांसफर किया था, कौन सी वो अप्रोच थी जो पर्टिकुलरली हेल्प कर रही थी एक प्लांट सेल की टू रिसीव द जीन ऑफ इंटरेस्ट, टू एक्सप्रेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, टू प्रोड्यूस द टॉक्सिक प्रोटीन, कौन सी। इफ एनीवन कैन आंसर मी, सो द कंडीशन वॉज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। और यहां पर एक छोटी सी एक और फिनोमिना भी आता है जिसके बारे में आपको मैं कुछ कुछ आइडिया आज दे दूंगा, अगली क्लासेस में हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम जो है इसके पास प्लाज्मिड होता है, ये है इसका जीनोमिक डीएनए, और ये है इसके पास प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड को हम निकाल लेते हैं बाहर, दिस इज टीआई प्लाज्मिड, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो है यहां पर से हम टीआई प्लाज्मिड के ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन है उसको कर देते हैं रिमूव, और फिर उसके बाद हमारी जीन जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कर देते हैं एड। एड करने के बाद क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ फाइनली रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। क्या कर दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को हमने फॉर्म कर दिया। इसको फिर से डाला जाता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया ट्रांसफर करता है इसको प्लांट सेल के अंदर, और फिर उसके बाद जो प्लांट सेल जिसके अंदर बैक्टीरिया ने जीन ट्रांसफर कर दी उनको, उन सेल्स को हम ग्रो करवाते हैं कल्चरल मीडियम पे, यानी आर्टिफिशियल मीडियम पे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया था जिसके पास एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था, इसके बाद हमारा प्लांट सेल है, दोनों को कर लिया हमने एक दूसरे से इंफेक्शन कर लिया, इंफेक्शन के बाद जो जीन प्रेजेंट थी वो चली गई प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल को हमने आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम पे ग्रो करवाया। आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम पे जब भी हम इसे ग्रो करवाएंगे हमारे पास एक पूरा प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट सेल जिसकी हेल्प से हम इस आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम की एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने एक छोटे सिंगल सिंगल सेल्स जो है उनको डाला था, ये क्या है, प्लांट सेल्स हैं सारे के सारे। अब हर एक प्लांट सेल जो है ना वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज प्लांट सेल नोन एज, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या किस नाम से हम इसे जान सकते हैं। अगर कोई भी मुझे आंसर करना चाहता है आई विल बी वेरी हैप्पी, नहीं करना चाहते तो देख तो तुम रहे हो लगातार, है ना। तो ये है टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस अ फुल प्लांट
फ्रॉम अ सिंगल सेल. हर एक सिंगल सेल अपने पास ये कैपेसिटी कैरी करता है कि वो पूरा का पूरा प्लांट जो है वो उसको दोबारा से फॉर्म कर सकता है. इस प्रोसेस इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, दिस इज टोटिपोटेंसी. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर. दे नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर. क्लियर विद दिस? तो प्लांट टिश्यू कल्चर में को हम अगले ही क्लास में पढ़ेंगे. एक्चुअली तो ये नाइन्थ चैप्टर में आता है, आपके जो हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें आएगा. बट हम सिंगल सेल प्रोटीन और दिस प्लांट टिश्यू कल्चर को हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के साथ पढ़ते हैं. रीजन उसका ये है कि प्लांट टिश्यू कल्चर तो डायरेक्टली है बायोटेक्नोलॉजी से, और सिंगल सेल प्रोटीन जो है ना यहाँ पर कल्चर मेंटेनेंस किया जाता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. तो हम इन दोनों को भी यहीं पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली एक प्लांट तैयार जिसके पास ऐसी पावर है, ऐसा मैकेनिज्म है कि ये इंसेक्ट जो इसके ऊपर फीड करने की कोशिश करते हैं उसको किल कर सकता है. एम आई क्लियर? देन वी हैव आरएनएआई टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो आरएनएआई टेक्नोलॉजी जो है, दिस आरएनएआई टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो अगेंस्ट किसके होती है? दिस आरएनएआई टेक्नोलॉजी इज अगेंस्ट निमेटोड्स. और निमेटोड में भी अगर मैं पर्टिकुलर आपको बताऊं, इट इज मेलोडिजाइन इनकोग्निशिया. क्लियर? इट इज मेलोडिजाइन इनकोग्निशिया. निमेटोड्स क्या होते हैं, तो निमेटोड्स के बारे में भी आपको कुछ कुछ बता दूं चीजें. निमेटोड होते हैं स्मॉल वर्म्स सीडेंट्री एंडोपैरासाइट. अब सीडेंट्री एंडोपैरासाइट का क्या मतलब है? सीडेंट्री एंडोपैरासाइट का मतलब होता है दैट इट इज अब सीडेंट्री का मतलब क्या है, जैसे ही ये किसी प्लांट सेल के अंदर घुसेगा इट विल स्टे देयर. ठीक है, जैसे ये प्लांट सेल के अंदर इट एंटर्स इट फॉर्म अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन टॉक्सिन्स. ये कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करता है उस प्लांट सेल के अंदर, अपने पर्टिकुलर टाइप के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है. देन इट फॉर्म्स एन एनवायरमेंट इनसाइड. ये एक एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर. और न्यूट्रिशन कैसे लेता है सेल से? ये सेल से न्यूट्रिशन लेता है बाय सकिंग अप द सेल सैप. एंडोपैरासाइट मतलब हमने देखा था पैरासिटिज्म. तो पैरासिटिज्म में एक्टोपैरासाइट जो सेल के बाहर या बॉडी के बाहर रहते हैं, एंडोपैरासाइट मतलब जो सेल के अंदर घुस जाते हैं. तो ये क्या है? ऑब्लिगेटरी सीडेंट्री एंडोपैरासाइट. कौन? ये निमेटोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेलोडिजाइन इनकोग्निशिया. सिंपल वर्ड में इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज रूट नॉट पैरासाइट. This is root knot parasite. अब toxins जब produce होते हैं तो उसके बाद में क्या होगा? These toxins when produced, the roots will start producing knots, यानी गांठे बननी शुरू हो जाती है. तो अगर यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आएगा कि जो निमेटोड है जिसके अगेंस्ट RNAi टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, वो टोबैको प्लांट के कौन से पार्ट पे एक्ट करता है, कौन से पार्ट पे पैरासाइट होता है? तो दिस इज अ रूट पैरासाइट. तो ये जो निमेटोड है इसके बारे में हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इंक्रीज हो गई. इट इज अ रूट ऑब्लिगेटरी सीडेंट्री एंडो पैरासाइट, रूट पैरासाइट. ठीक है, अभी कौन से प्लांट पे काम करता है? यह करता है टोबैको प्लांट पे. और हमने आरएनएआई टेक्नोलॉजी जो है कौन से प्लांट पे अप्लाई की है? तो ये है टोबैको प्लांट पे हमने अप्लाई किया है. आरएनएआई का फुल फॉर्म क्या है? आरएनएआई का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक. आरएनए का तो पता ही होगा ना, आई का मतलब है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर करना. एज सिंपल एज दैट, आरएनएआई इज जस्ट इंटरफेयरिंग विद द एक्सप्रेशन, इंटरफेयरिंग विद जीन एक्सप्रेशन.
नॉर्मली अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इसका इस पर्टिकुलर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटक से एक बार ले लो, तो फिर मैं आगे बताता हूँ। और भी कुछ चीजें हैं। RNAi जो टेक्नोलॉजी है वो यूकैरियोट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इवोल्यूशन में ये बहुत ज्यादा कंजर्व की जाती है, और इसको हम ये भी देखेंगे कि क्या है इसका RNAi टेक्नोलॉजी का और कौन कौन से जीन इसमें इंक्लूडेड है। दिस RNA इंटरफेरिंग टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज डिफेंस मैकेनिज्म। जितने भी हैं यूकैरियोट्स सबके अंदर ये RNAi टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोट्स के अंदर पर्टिकुलरली प्रेजेंट होती है। तो इवोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन में इट इज कंजर्व्ड इन इवोल्यूशन, यानी जब भी ये चीज जो है वो अप्लाई हुई थी जेनेटिक्स में यूकैरियोट्स के, उसके बाद इवोल्यूशन में इसको कहीं जाने नहीं दिया गया, इसको साइलेंट नहीं होने दिया गया, ये कंजर्व्ड रहती है इवोल्यूशन में, ये कंजर्व रही। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से तरीके हो सकते हैं RNAi के, या RNAi के इक्विवेलेंट बट इससे अलग। क्रिस्पर एक तरीका है जीन साइलेंसिंग का, यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा चल रहा है, कैंसर की स्टडीज के लिए इसको काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, दिस इज क्रिस्पर। अब क्रिस्पर क्या कर सकता है? क्रिस्पर एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत आसानी से जीन एडिटिंग करवा सकता है, बहुत ही रीसेंट है, जहां से मन करे वहां से जीन एडिटिंग करवा सकता है, नई जीन्स को ऐड कर सकता है, पुरानी किसी जीन को साइलेंट कर सकता है, किसी म्यूटेशन। अब जीन थेरेपी जब दी जा रही है ना, तो उसमें भी क्रिस्पर का रोल जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि क्रिस्पर को अगर हम यूज कर पाए, पहला। सेकेंड इसमें आता है टोलन, सेम दो तरीके, और तीसरा इसमें आता है RNAi। ठीक है, क्रिस्पर जो है इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा सही है, सेलुलर एनर्जी। टोलन जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स पे इकट्ठा काम करता है, तो यहां पर डिजाइन में थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा देनी पड़ती है, यानी प्रोसेसेस जो है। अब हम तो इसे इनविट्रो करवा रहे हैं ना, अब इनविट्रो अगर करवा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल से, हमें ज्यादा ही डिटेल से करना पड़ जाता है। RNA इज बेस्ट, ऑलरेडी प्रेजेंट किसी ऐसी टेक्निक को जो इवोल्यूशन में कहीं गई ही नहीं, हमेशा एक यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होती है, हम उसे ही यूज कर रहे हैं डायरेक्टली टू डू व्हाट, टू फाइनली डू साइलेंसिंग ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, होगा क्या वो अभी देख लेते हैं। तो इफेक्टिव इन टोबैको प्लांट्स अगेंस्ट निमेटोड, निमेटोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, और टोबैको प्लांट में क्या कैसा पैरासाइट है, ये रूट पैरासाइट है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ये होता है। फुल फॉर्म इसका है RNAi, और यू कैन से RNA इंटरफेरेंस। देन वी हैव इट इज प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द ट्रांसलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन। करना क्या है इसे, इसे उस टॉक्सिक प्रोटीन की ट्रांसलेशन को रोकना है, उस टॉक्सिक प्रोटीन की ट्रांसलेशन को रोकना है जो उस निमेटोड की हेल्प करेगा टू मेक दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, जो उस एनवायरमेंट को उस सेल के अंदर बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगर वो प्रोटीन, वो टॉक्सिक प्रोटीन जो सेल की मॉर्फोलॉजी को, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को इस तरह से चेंज कर सकता है कि उसमें जो निमेटोड है वो परमानेंट हो जाए, वो वहीं पर रुक जाए, वो वहीं सीडेंट्री हो जाए, तो अगर वो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो जो एनवायरमेंट है वो होस्टाइल हो जाएगा किसके लिए, निमेटोड के लिए, और निमेटोड को या तो मरना पड़ेगा और या तो वहां से निकलकर
भागना पड़ेगा। तो अगर हम उस टॉक्सिक प्रोटीन की ट्रांसलेशन को रोक सके, कैसे रोकेंगे? इसमें आप लोगों को एक चीज पता होगी, इफ यू नो सब क्या है, यहां पर बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं मेरे सारे के सारे। संजना गुड इवनिंग। होता क्या है देखिए, एक डीएनए, डीएनए के अंदर है जीन, जीन के अंदर क्या है, जीन क्या करता है, सॉरी जीन के बाद होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे प्रोड्यूस होता है एमआरएनए। एमआरएनए जब प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जब कोई जीन जो है वो एक सक्सेसफुल एक्टिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोटीन फॉर्म कर रही है, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। अब इस जीन एक्सप्रेशन को अगर हम रोकना चाहते हैं तो या तो हम जीन को डैमेज कर दें, बट दैट विल बी ए वेरी मच नेगेटिव, क्योंकि बाद में अगर कहीं जरूरत पड़ी तो फिर वो नहीं हो पाएगा रिवर्ट बैक। सेकेंड कंडीशन इसमें आती है कि या तो हम ट्रांसक्रिप्शन को रोकें जिसकी वजह से एमआरएनए जो है वो फॉर्म होना बंद हो जाए। बट इस पर्टिकुलर केस में, यानी टोबैको जो प्लांट है, इस पर्टिकुलर केस में हम एमआरएनए की फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, किसकी, निमेटोड के न्यूक्लियस के अंदर हो रही है ना, उसे भी नहीं रोक सकते। हाँ, रोका के किस चीज को जा सकता है, रोका उस चीज को जा सकता है जो निमेटोड के सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, वो हो रहा है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन, किसकी हेल्प से, एमआरएनए की हेल्प से। प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है, हम ट्रांसलेशन को रोकना चाहते हैं ताकि प्रोटीन फॉर्म ना हो, ठीक है। अब इसके लिए जो एमआरएनए इस निमेटोड ने बनाया है, एमआरएनए के बारे में आपको पता होगा, दिस इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर और ये सिंगल स्ट्रैंडेड में ही काम कर सकता है, ये भी आप लोगों को पता है। अगर मैं इस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंड कर देता, अगर मैं इस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंड कर देता हूं, विल इट बी प्रोड्यूसिंग दिस प्रोटीन, क्या ये इस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है, यस और नो, यस और नो बताओ, क्या एमआरएनए को जब मैंने डबल कर दिया तो क्या ये इस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन नॉट, ये इस प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्लस आरएनए आई में एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, दिस इज आर आई एस सी, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस एमआरएनए को जो डबल स्ट्रैंडेड हो गया है इसको कर सकता है डाइजेस्ट, और डाइजेशन का मतलब आप लोगों को सबको पता है कि जब भी हम एक सेल के केस में डीएनए या जीनोम डाइजेशन की बात करते हैं, दैट मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्लियर ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। तो ये आरआईएससी आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये बन गया। अब कैसे बनेगा, किसके बाद क्या सीक्वेंस होगी, दिस वॉज जस्ट एन आउटलाइन, अभी देख लेते हैं। इसमें जरूरत किस चीज की है, सबसे पहले इसके अंदर जरूरी है एक एसआई आरएनए यानी स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कौन से लेवल पे काम करता है, ये काम करता है ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में, और बाद के लिए चीज यूज की जाती है, दैट इज पोस्ट। तो हम जो है इसे यूज करवा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। siRNA is small interfering RNA. Now this small interfering RNA is responsible at post-transcriptional level
टू डू वॉट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबल है साइलेंस करने के लिए किसको, एमआरएनए को, कौन से एमआरएनए को, उस टॉक्सिन प्रोटीन के एमआरएनए को जो निमेटोड प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज SiRNA मीडिएटेड जीन नॉकडाउन, दिस इज SiRNA मीडिएटेड नॉकडाउन ऑफ द जीन। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जब भी किसी जीन के एक्सप्रेशन को बंद करवाता है, काट देता है, कटवा देता है, दैट इज नॉकडाउन, ठीक है। तो ये हो रहा है यहां पर। अब कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे वही दोबारा से वही चीजें वहीं से हमें शुरू करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, नहीं दिख रहा होगा, वी हैव अ प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के साथ हम डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन। खुशबू क्या प्रॉब्लम आई? ओ बहुत पुरानी बात कर रहे हो। प्लांट सेल प्लस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन। नाउ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन हैव अ टीआई प्लाज्मिड जो हमने अभी अभी पढ़ा था, रिसेंटली जस्ट ही पढ़ा था। इस टीआई प्लाज्मिड के ऊपर होती है एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन यहां पे। व्हाट वी डिड, हमने इस जीन को निकाला बाहर और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमारी जीन फिट कर दी। कौन सी जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी होगी? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, विच जीन ऑफ इंटरेस्ट। याद है मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जो एमआरएनए है किसका, निमेटोड का जो एमआरएनए है, ऑब्वियसली उसकी एक सीक्वेंस होगी। सपोज इस एमआरएनए की सीक्वेंस जो है ए जी जी टी ए जी ए, ठीक है, ये है, हम सपोज करके चल रहे हैं दिस ए जी जी टी ए जी ए, ये इसकी सीक्वेंस है। तो मुझे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में जो इसको डबल स्टैंडर्ड करेगा उसमें क्या सीक्वेंस चाहिएगी? ऑब्वियसली ऑपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ऑपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं क्या करता हूं, इसके ऑपोजिट क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एसआई आरएनए, एंड एसआई आरएनए विल बी हैविंग अ सीक्वेंस जो होगी इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री। एंड दिस SiRNA जीन, जो भी जीन इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को प्रोड्यूस कर सकती है, दैट विल बी आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि हमें सेल प्लांट के प्लांट सेल के अंदर यही SiRNA प्रोड्यूस करवाना है, तो हमारे पास जो जीन रहेगी दिस ए गोज टी सी सी ए टी सी टी, बन गया कॉम्प्लीमेंट्री, ये रहेगी जीन। अब यहां पर डबल स्टैंडर्ड और फिर उसके बाद में 5' 3', वो केस जो है वो अपने आप सोल्व करने लगा, वरना बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इस जीन को हम करते हैं डबल, सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे से क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस जीन को हम कर देते हैं एज इट इज लॉन्गर। एज इट इज लॉन्गर करने के बाद ये जो सीक्वेंस है यहां पर, जो ये सीक्वेंस है जो SiRNA के अंदर सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसको हम एज इट इज मिरर कर देते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तो मिरर करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। अब क्या ये दोनों सीक्वेंस जो आप लोग देख पा रहे हैं अभी, ये टी सी सी ए टी सी टी
और इसके ऑपोजिट एक और सीक्वेंस है AGA TGGA। क्या ये सीक्वेंस एक दूसरे के साथ, मतलब ये पूरा आरएनए है, क्या ये इस तरह से सेल्फ लाइगेट कर सकती हैं? यस और नो? अगर ये सेल्फ लाइगेट कर सकती हैं तो क्या कैसी सिचुएशन बनेगी? द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। समझ गए? दिस विल बी द कंडीशन। याद रखो इस चीज को, मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कभी भी लाइफ में अगर यहां समझ गए तो आपको जिंदगी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप पीएचडी भी करोगे तब भी आपके लिए चीजें रहेंगी सेम, सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को हमेशा ऐड करते रहना पड़ेगा। अब देखो, हमने जो जीन बनाई है वो जीन है अब इतनी लंबी, एक पार्ट इसके अंदर है एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा इसका जीन का पार्ट है पहले पार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री, और इस जीन को हम डाल देते हैं हमारे टीआई प्लाज्मिड के अंदर। नाउ दिस जीन इज प्रेजेंट इन द टीआई प्लाज्मिड, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, ताकि मैं इसी स्लाइड पे दोबारा से तुम्हें ये चीज समझा दूं। अगर ये चीज क्लियर है तो फटाक से मुझे एक बता दो। फटाफट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर क्लियर होता है ना सब कुछ तो बोल दिया करो, और अपनी जो लाइव स्ट्रीम है उसको लाइव ही रखा करो। तुम शायद पीछे चले जाते हो किसी चीज को दोबारा देखने के लिए तो तुम्हारे कमेंट्स में काफी लेट आते हैं। एम आई क्लियर? यस और नो? ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारी? अब जीन ऑफ इंटरेस्ट है siRNA को प्रोड्यूस करने की वो जीन, siRNA को प्रोड्यूस करने की वो जीन जो निमेटोड के प्रोटीन की के लिए जो mRNA है, यानी siRNA को प्रोड्यूस करने के लिए वो जीन जो कॉम्प्लीमेंट्री है निमेटोड के mRNA के, प्लस उसके अंदर एक और पार्ट है जो उसी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का दूसरा हिस्सा है ऑपोजिट। ठीक है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज है ये दोनों, और आपस में इस तरह से सेल्फ लाइगेट करके एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आप लोगों ने पढ़ा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड जो siRNA है वो mRNA को जाकर क्या है बाइंड कर लेता है, और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाता है, तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग या प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाती। एम आई क्लियर? यही चीज बताई थी मैंने। तो यहां है वो चीजें, वो कैसे है ना, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, इस पढ़ाना बहुत आसान, कैसे हो रहा है इज द मेन थिंग। तो हम कैसे का जवाब जो है वो यहां से इस तरह से देते हैं। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने टीआई प्लाज्मिड के अंदर डाली, अब इस टीआई प्लाज्मिड को हम फिर से डाल देते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन के अंदर, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन इसको डालेगा प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट सेल को सेम टू सेम विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हम करवा लेते हैं ग्रो। कहां पर? लैब में। जब वो ग्रो कर जाता है तो हम उसे ले जाकर गार्डन में, और फिर गार्डन से उसके सीड प्रोड्यूस होते हैं, सीड्स को हम पैक करते हैं, पैक करके हम बेच देते हैं। ठीक है, तो ये है इंप्रूव्ड क्वालिटी सीड्स। एम आर क्लियर अप टिल नाउ? तो अभी देख लेना, तुम्हारे पास सीक्वेंस में सारे प्रोसेस आ जाएंगे, और इसका ले लो एक फटाक से स्क्रीनशॉट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और इसको आराम से रीड करोगे ना तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ले लो फटाक से एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो रख लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अब ये siRNA मीडिएटेड नॉकडाउन, अब नॉकडाउन के लिए हमने तैयार कर लिया क्या एक हथियार इज दिस siRNA।
अब ये siRNA तो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से सेल के अंदर? प्लांट सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब अगर ये प्लांट सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बट जो टॉक्सिन जो है वो तो निमेटोड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां तक कैसे जाएगा ये? वही चीज है इसका फिर से एक और प्रोसेस, तो कैसे जाएगा वो यहां पर आता है आपके पास। ठीक है, तो हम कैसे आंसर कर रहे हैं, कैसे जाएगा? एक सेकेंड वेट, देखो जी ये है कैसे, ये है निमेटोड ऊपर। एक सेकेंड, मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया कुछ, पहले एक बार इस पिक्चर को बहुत आराम से देख लो। ये जो है ना, ये निमेटोड है, रहता कहां है? सेल्स के अंदर प्लस इंट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर। वहां से ये फीडिंग ट्यूब्स जनरेट करता है हर एक सेल के अंदर, फीडिंग ट्यूब्स, ठीक है, ताकि ये सेल सैप को क्या कर सके, सक कर सके। ठीक क्या करता है ये? सेल सैप को सक करता है, ठीक है? और जब ये सेल सैप को सक करता है, जो साइटोप्लाज्म को सक करता है, तो उसके साथ साथ ये जो siRNA है ये जाते हैं निमेटोड में। इतना क्लियर है? ये siRNA जो है इस तरीके से जाते हैं कहां पर? निमेटोड में। अब सेल के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर देख पा रहे हो, है ना? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हेयर पिन आरएनए बनाती है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। हेयर पिन आरएनए किस कंडीशन में बन सकता है? हेयर पिन आरएनए तभी बन सकता है जब एक जीन के अंदर ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस क्या हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, आपस में जुड़ जाएंगे, ये हेयर पिन आरएनए बन गया। ठीक है, क्लियर है? ये आरएनए जब बनता है, ये आरएनए बाहर निकलता है एज इट इज। एज इट इज बाहर निकलने के बाद यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है, विच इज डाइसर एंजाइम। डाइसर एंजाइम क्या करेगा, ये जो इस तरीके का एमआरएनए एक प्रोड्यूस हुआ है, हेयर पिन एमआरएनए इसको बोल दिया, है ना? ये जो डाइसर एमआरएनए, डाइसर प्रोटीन है, इसको यहां से काट देता है, तो ये हो जाएगा रिमूव, ये पार्ट जो पर्टिकुलर है। और यहां से ये जो छोटा एमआरएनए बच गया, अब इसने हेयर पिन को काट दिया, यहां फिर से ये कट्स लगाएगा, तो ये जो जो एमआरएनए है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसे बोलते हैं siRNA या स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। क्लियर है? नाउ दिस स्मॉलर साइज इज अपटेकन बाय द निमेटोड। निमेटोड के अंदर घुसते हैं, निमेटोड्स के सेल्स के अंदर जाते हैं, और फिर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है वो जो निमेटोड को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, siRNA फॉर्म हो गए, siRNA जाकर घुसते हैं किधर? निमेटोड्स के सेल के अंदर। ठीक है, निमेटोड्स के सेल के अंदर जाते हैं, यहां से बनता है इसका एक RISC। नाउ दिस RISC इज आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसके पास चार अलग अलग तरीके की यूनिट होती हैं, और साथ में एक siRNA होता है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर? चार अलग अलग तरीके की इसके अंदर
यूनिट्स हैं और एक ऐसा आरएनए है। अब ये सेल के अंदर घुसने की बात हुआ है, आरआईएससी जो है वो जाता है सेल के अंदर, सेल के अंदर जाएगा एमआरएनए को ढूंढेगा, कौन सा एमआरएनए जो प्रोड्यूस करवा रहा है क्या चीज, प्रोटीन, कौन सा टॉक्सिक प्रोटीन, किसका, निमेटोड का। ये ऐसा आरएनए जो है यहां से होगा सिंगल स्टैंडर्ड, अब तक ये डबल स्टैंडर्ड था, अब हो जाता है ये सिंगल स्टैंडर्ड, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो जुड़ जाती है एमआरएनए के साथ। दूसरी जो स्ट्रैंड थी इसी ऐसा ही आरएनए की, अब एक स्ट्रैंड तो एमआरएनए के साथ जुड़ गई, दूसरी कहां गई, दूसरी जो है इसकी एक यूनिट वो कर देती है डिग्रेड, तो चार यूनिट है ना, चारों का अलग अलग काम है, एक का काम है ऐसा ही आरएनए की एक स्ट्रैंड को डिग्रेड करना जो इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाती है इस एमआरएनए के साथ, फिर उसके साथ साथ ये चारों यूनिट्स जुड़ती हैं इसके साथ और क्या होता है, देयर विल बी अ क्लीवेज, क्लीवेज किसका, इस एमआरएनए का, एमआरएनए का जैसे ही क्लीवेज होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब अगर ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो क्या यह प्रोड्यूस हो पाएगा, क्या प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, बीच में बफरिंग हुई थी क्या, ठीक है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड हेंस द निमेटोड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल विल बी अनेबल टू मेक अ पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर इट, यानी अपने लिए जो हैबिटेट बनाने की कोशिश कर रहा था वो हैबिटेट उसे नहीं मिल पाएगा, और अगर वो हैबिटेट उसे नहीं मिला तो उसके पास दो चीजें बचेंगी, या तो वो भाग जाए या वो दूसरा सेल ढूंढ ले और या वो मर जाए। अब भागने के लिए उसके पास चांसेस इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज एन एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट, तो उसे फाइनली क्या है, मरना ही उसके पास एक पर्टिकुलर तरीके का क्या, ठीक है, डेथ इज मोस्ट पॉसिबल सेव फॉर दैट पर्टिकुलर निमेटोड, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फटाक से एक बार पूछ लो, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो प्रोसेसिंग है एमआरएनए की या जो आरएनए आई टेक्नोलॉजी है साथ में बीटी कोटन, ये हमने खत्म किया है अभी अभी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछना चाहते हैं तो फटाक से पूछ लो। नो सर, थैंक यू। एनीवन विद एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट चैप्टर दिस चैप्टर, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो संजना, सोनिया, खुशबू, एनीवन हु इज विद मी और एनी न्यू व्यूअर, अगर आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास, आई पर्टिकुलरली थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग विद मी टिल एंड। सी, आई जस्ट वांट टू टीच यू बडीज, एक्चुअली आई एम नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट कन्वेंशनल टाइप ऑफ टीचर, आई एम नॉट दैट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचर, आई जस्ट वांट टू कन्वे माय नॉलेज टू यू पीपल। Okay, if you have any problem, you can ask me right now. If you do not have, or if you have, will have, or you can have any problem, you can contact me in future. You can message me directly on Instagram. This is my ID on Insta, and this is my WhatsApp number. Whenever you want to, just click down a picture and
send it on my WhatsApp. I'll fetch you as soon as possible. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वी आर गोना एंड द स्ट्रीम. 4 tomorrow there will be medical applications of biotechnology. हम क्या पढ़ेंगे, medical applications क्या है, इसमें जीन थेरेपी आती है, इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन आती है, इसके अलावा जो जो भी चीजें हमारे लिए जरूरी होंगी इस मेडिकल कंडीशंस में पढ़ना, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. और अगर अभी तक भी आपको, फिर से आई एम आस्किंग अगेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन क्लियरली से यस वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई कैन एंड द स्ट्रीम. थैंक्स फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो. ओके, सो कल जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको भी क्लास में अगर आप बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं. लोग 2000 ले रहे, 3000 ले रहे, 3500 ले रहे, मैं तो 5 पैसे भी ले रहा. ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी थोड़ी सी कम है, यानी टीचिंग में लेवल, अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि डिटेल्स कम है, तो आप जरूर एक बार मुझसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं और ज्यादा. सजेशंस आर वेलकम विद ओपन हार्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन. Have a nice day, night, morning, evening, जब भी आप इसे देख रहे हैं, for this particular live. Good night, everyone. Thank you.